हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, निशान सैनी का एक डाउट था, एक रिक्वेस्ट था कि इज MR2 अबाउट टू हैज हैव के बाद में जो टू का इस्तेमाल करते हैं उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, तीनों में अंतर क्या है। तो मैं आपको ये तीनों चीज समझाने वाला हूं कि इज MR2 हैव हैज टू और अबाउट टू के बाद में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका मीनिंग क्या रहेगा, सेंटेंस मेकिंग क्या रहेगा, किन हालतों में, किन स्थितियों में इसका इस्तेमाल करेंगे और तीनों में क्या अंतर है। दोस्तों, ये मैं सारी बात बताने वाला हूं। मोस्टली स्पीकिंग करते समय ऐसे वर्ड आ जाते हैं, आपने सुना होगा आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, आई हैव टू गो। ये जो तीनों टू के बाद में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इन तीनों में क्या अंतर है, कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया है, स्पोकन में जनरली काम आता है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी मीनिंग को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, सारी बातें समझिए डिटेल्स में। बीच में दोस्तों वीडियो छोड़ना नहीं है और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे नए अपडेट्स मिलते रहे। और दोस्तों, आजकल मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं शाम को 6 से 7, आप उसमें भी आ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ नई चीजें सीखना है और कुछ नया बन के निकलना है, नया बन के उभरना है। दोस्तों, हम पर है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। तो दोस्तों, चालू करते हैं, एक एक सेंटेंस समझते हैं, तीनों स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल कब करेंगे। चालू करें वन बाय वन। या पहले मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट इज MR2 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आता है, यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा, मैं यहां पर फर्स्ट फॉर्म कर देता हूं, वैसे भी वर्ब के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना चाहिए, तो इसका मतलब निकलेगा करना है या वाला है। अब करना है वाला है, हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका। वह आने वाला है, वह आने वाला है, तो वह आने को है ये भी कह सकते हैं, वह उसे आना है, ये तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो इसका मतलब होगा ही इज टू कम, ही इज टू कम, मतलब वो आया नहीं, कभी ना कभी आएगा, वो आने वाला है। मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड, मैं स्कूल जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू स्कूल, वो काम कभी ना कभी हम लोग करने वाले हैं। एक नॉर्मल हम लोग बात करेंगे तब हम लोग लगाएंगे इज ए मार के बाद टू। मैं आपको तीनों को पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, उसके बाद में आपको उसके सारे सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम लोग यहां पर अबाउट टू लगा देते तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होगा करना ही है, वाला ही है, वहां पर ही नाम का शब्द जुड़ जाएगा, थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, वो काम जरूरी हो जाएगा। तो वह आने वाला ही है, उसी सेंटेंस में हमने ही नाम का शब्द जोड़ दिया हिंदी में, वह आने को ही है, उसे आना ही है। यहां पर अगर हमने ही नाम का शब्द जोड़ दिया तब हम लोग लिखेंगे ही इज अबाउट टू कम, मुझे स्कूल जाना ही है, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही है, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। जब हम लोग ही नाम का शब्द जोड़ देंगे, उसमें स्ट्रेस देंगे, एम्फेसाइज करेंगे, तब हम लोग वहां पर जो इजेमार के बाद जो टू आ रहा था वहां पर अबाउट टू लगा देंगे, बस अबाउट टू। दोनों में ये थोड़ा सा अंतर हो गया, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा, यहां पर नॉर्मल बात है, कोई ना काम कभी ना कभी आप करने वाले हैं, तो आई एम टू डू दैट वर्क, लेकिन मुझे वो काम करना ही है, आई एम अबाउट टू डू दैट वर्क, ये अंतर होगा। अब हम लोग इसमें हैव टू का इस्तेमाल करें तब क्या होगा, ये हम लोग समझते हैं। हैव टू अगर हम लोग लगाएंगे तब हम लोग कैसे यूज करेंगे समझते हैं। तो सब्जेक्ट हैव हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये कंपल्शन को शो करता है, मजबूरी को शो करता है, बाध्यता को शो करता है। दोस्तों ध्यान देना, बाध्यता को शो कर रहा है, मजबूरी को शो कर रहा है, मजबूरी है। जैसे सेंटेंस उसे आना पड़ता है, आने का मन तो नहीं है लेकिन उसे आना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है तो पनिशमेंट मिलेगा। ही हैज टू कम, उसे आना है, ही हैज टू कम। जब हम लोग किसी कंपल्शन की बात करेंगे, मजबूरी की बात करेंगे, तब हमको हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करना है। ये वाला और ऊपर वाले को हम लोग सिनोनिम्स मान सकते हैं, कि क्यों इसमें हमने ही बोला, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं, मजबूरी है, मन तो नहीं करता लेकिन क्या करें, लॉकडाउन भी चल रहा है, नहीं मानेंगे तो खाना भी अच्छे से नहीं मिलेगा, और बीपी से लड़ाई अलग होगी। तो आई हैव टू क्लीन यूटेंसिल्स, तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स। तो दोस्तों, जब हम कंपल्शन की बात करेंगे, बाध्यता की बात करेंगे, मजबूरी की बात करेंगे, तब हमको हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करना है। तो तीनों में दोस्तों क्या अंतर समझ में आया, तीनों में अंतर यह समझ आया कि जब हम लोग नॉर्मली बात करेंगे तब हमको है इज एम आर टू लगाना है। जैसे
मुझे कुछ सीखना है, एक नॉर्मल बात है, मुझे कुछ सीखना है भैया, मैं अपना इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई एम टू लर्न समथिंग, आई एम टू लर्न समथिंग। लेकिन कह रहे हैं मुझे कुछ सीखना ही है, भाई मुझे कुछ सीखना ही है यार, अपन तो भाई सीख के रहेंगे। आई एम अबाउट टू लर्न समथिंग, आई एम अबाउट टू लर्न समथिंग, और मुझे कुछ सीखना पड़ता है। अगर हम लोग उसमें मजबूरी की बात बता दें, बाध्यता की बात बता दें, कुछ कंपल्शन डाल दें उसमें, तब हम लोग बोलेंगे आई हैव टू लर्न समथिंग। तो दोस्तों ये है, हमें मजबूरी की बात करना है, बाध्यता की बात करना है, तब हमको हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करना है। ओके, अब हम लोग इसके नेगेटिव इंटरगेटिव लेते हैं, हम लोग इसका पास्ट टेंस वाला पार्ट भी देखते हैं और फ्यूचर वाला पार्ट भी पढ़ते हैं। अगर आपको इसको प्रेजेंट के तीनों पार्ट समझ में आ गए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका पास्ट का और फ्यूचर का पार्ट अपने आप बना लेंगे। लेकिन आप तीनों को समझिए, तीनों में क्या कहना चाह रहा हूं, तीनों में क्या अंतर है समझ लीजिएगा। अगर मैं इसी को कहता कि वह आने वाला था, तो जो इजे मार है वो वाजर हो जाएगा, ही वॉज टू कम, वो आने वाला था, इजे मार का वाजर हो जाएगा, कोई कंपल्सन नहीं है इसमें, है ना। और अगर हम लोग कहें कि वह आने ही वाला था, तो यहां पर हम लोग जो है ही वॉज अबाउट टू कम, बस इजे मार का हमको वाजबर करना है, और यहां पर हमें हैव हैज का हैड करना है, उसे आना पड़ता था, मजबूरी थी, बाध्यता थी, तो ही हैड टू कम, हैव हैज का हैड हो जाएगा, ही हैड टू कम हो जाएगा। ये मैंने पास्ट टेंस का बता दिया, तो आपको इजे मार की जगह पर क्या करना है, वाजबर करना है, वाजबर टू, वाजबर अबाउट टू और हैड टू, यहां पर वाजबर नहीं आएगा, यहां पर हैड टू आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको फ्यूचर टेंस की बात करें कि वह आने वाला होगा, वह आने वाला होगा, तो ही विल बी, अब ये विल बी हो जाएगा, ही विल बी टू कम, ही विल बी टू कम। और यहां पर अगर हम लोग वह आने वाला ही होगा, ही नाम का शब्द जोड़ दिया, ही विल बी अबाउट टू कम, इसे अबाउट टू आ जाएगा, वो आने ही वाला होगा, तो जहां इजे मारता फ्यूचर डेज में वो विल बी हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर विल है और शेल है हो जाएगा, यहां आपको बी नहीं लगाना है। अगर हमें कहना उसे आना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे ही विल हैव टू कम, उसे आना होगा, मजबूरी की बात है, बाध्यता की बात है, ही विल हैव टू कम, ये होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं कि इजे मार का पास्ट टेंस बनाने के लिए वाजवर करेंगे, हैव हैज का पास्ट टेंस बनाने के लिए हैड करेंगे, और अगर इसका फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो इजे मार वाले का विल बी, शेल बी, और विल है और शेल है हो जाएगा ये वाले में, ठीक है दोस्तों। अब प्रेजेंट टेंस के हम लोग नेगेटिव इंटरगेटिव ले लेते हैं, जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हम लोग इसका नेगेटिव इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे। बस मुझे उम्मीद है आप लोग उसको तीनों को अच्छे समझ गए हैं। सिंपली बात करेंगे तो इजे मार टू, और ही नाम का शब्द जोड़ देंगे तो अबाउट टू, और उसमें पड़ता है, पड़ती है का इस्तेमाल करना है तो हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल करेंगे, मजबूरी की बात कर रहे हैं वो। तो मैं इसी का नेगेटिव इंटरगेटिव बना के बताता हूं, आप लोग ध्यान देंगे, वह आने वाला नहीं है, वो आने को नहीं है, वो आने वाला नहीं, वो आने को नहीं है, तो ही इज नॉट टू कम। क्या वह आने वाला है, क्या वह आने को है, इज आगे आ जाएगा, इज ही टू कम। क्या वह आने को नहीं है, क्या वह आने वाला नहीं है, इज ही नॉट टू कम, इज ही नॉट टू कम, या इजंट ही टू कम, आप लोग ये भी कह सकते हैं। अब मैं इसमें ही नाम का शब्द जोड़ देता हूं, स्टेज डाल देता हूं मैं, वह आने वाला ही नहीं है, वह आने वाला ही नहीं है, या वह आने वाला ही, वह आने को ही नहीं है, हम लोग ये बोले तो ही इज नॉट अबाउट टू कम, इज ए मार के बाद नॉट आ जाएगा। क्या वह आने ही वाला है, इज ही अबाउट टू कम। क्या वह आने ही वाला नहीं है, इज ही नॉट अबाउट टू कम, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। बस हमको नॉट लगाना है और क्या वाले में इज ए मार को आगे करना है। इसको अगर हम लोग लें, उसे आना नहीं पड़ता है, ही हैज नॉट टू कम। क्या उसे आना पड़ता है, हैज ही टू कम। क्या उसे आना नहीं पड़ता, हैजंट ही टू कम। तो दोस्तों ऐसे इस्तेमाल करना है पास्ट टेंस में, तो आप लोग समझ जाएंगे, वाजबर के बाद नॉट लगाएंगे, क्या वाले में वाजबर को आगे करेंगे, और ये वाले में हमको हैड नॉट करना पड़ेगा, और क्या वाले में हैड को आगे लगाना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे तीन सेंटेंस, तीनों कैटेगरीज के मैं बताता हूं, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि उसका मीनिंग, आप अगर आप सेंटेंस अच्छे से बना लेते तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, चालू करें। ओके, वह कुछ पूछने वाली है, वह कुछ पूछने वाली है, वह कुछ पूछने वाली ही है, वह कुछ पूछने वाली ही है, उसे कुछ पूछना पड़ता है, उसे कुछ पूछना पड़ता है। ये तीन सेंटेंस हो गए, तीनों सेंटेंस बनाना। अब मैं पास्ट टेंस कर लेता हूं। मुझे जाना पड़ता था। ये तीन सेंटेंस हो गए, छह हो गए। अब मैं होगा वाले दे रहा हूं।
उसे बुलाना होगा, उसे बुलाना होगा, उसे बुलाना ही होगा, उसे बुलाना पड़ेगा, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तीनों टेंसेस के मैंने तीन तीन सेंटेंस लिए, यानी कि टोटल 9 सेंटेंस आपको बनाना है। अगर ये 9 सेंटेंसेस अगर आप लोग बना लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। यस, बहुत मजेदार। निशान सैनी, हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे और लेकिन मुझे लगा कि चलो आज तीनों को एक साथ समझाना चाहिए, इसलिए मैंने वाला वीडियो बनाया। बहुत बढ़िया फ्रेज़ है तो आपने पूछे, और वीडियो छोड़ने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे, और बहुत से लोगों को शेयर करें जिससे हर किसी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और शेयर करना भूलना नहीं है और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करना है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ नया सीखना है और हमें कुछ बनकर निकलना है दोस्तों, लॉकडाउन से बाहर। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।